रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी बहुत सादगीपूर्ण जिंदगी जीते हैं। वह पारिवारिक समारोहों में भारतीय पारंपरिक ड्रेस में होते हैं। मुकेश अंबानी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय मुकेश अंबानी अपने पिता धीरू भाई अंबानी को ही देते हैं। कई बार वह सार्वजनिक मंचों से ऐसा कह चुके हैं। पिता धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद उनकी मां कोकिलाबेन उनके साथ ही रहती है। 5 साल पुराना एक किस्सा सुनाता हूं। रिलायंस के 40वीं एजीएम में जब मुकेश अंबानी ने अपने पिता को याद किया तो कार्यक्रम में बैठी उनकी मां कोकिलाबेन रोने लगी थी। दरअसल रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद 21 जुलाई 2017 को रिलायंस की 40वीं एजीएम हो रही थी। इस एजीएम में मुकेश अंबानी का परिवार, मां कोकिलाबेन, बोर्ड के डायरेक्टर और रिलायंस के अधिकारी मौजूद थे। मंच से कार्यक्रम के दौरान मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की उपलब्धियां गिना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय धीरू भाई अंबानी को जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार 3,30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। इसी दौरान उन्होंने कंपनी के यहां तक आने के लिए संस्थापक और अपने पिता धीरू भाई अंबानी को शुक्रिया कहा और सारा श्रेय उन्हें दिया। इस दौरान मीटिंग में मौजूद धीरू भाई अंबानी की पत्नी और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन रो पड़ी। मां को भावुक होता देख मुकेश अंबानी भी भावुक हो गए। कोकिलाबेन जब रो रही थी तब उनके बगल में पोते अनंत अंबानी बैठे हुए थे। परिवार के लोग कोकिलाबेन को रोते हुए देखकर भावुक थे। वहीं हॉल में मौजूदी धीरू भाई अंबानी के जयकारे के नारे लगा रहे थे। कोकिलाबेन के आंखों में आंसू देखकर वहां मौजूद हर आंखें नम थी। दरअसल मुकेश अंबानी ने खुद ही एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि उनके पिता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1,000 रुपए से की थी। 21 जुलाई 2017 को मुकेश अंबानी ने 40वीं एजीएम में कहा था कि कंपनी ने बीते 40 सालों में बड़ी ग्रोथ हासिल की। उन्होंने कहा कि कंपनी की ग्रोथ इस दौरान 4,700 गुना बढ़ी। इस दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह करीब 50,000 गुना का इजाफा है। वहीं बीते 40 साल में कंपनी का नेट मुनाफा 10,000 गुना बढ़ा है। अंबानी ने 2017 में बताया था कि इस दौरान कंपनी की नेट आय 3.66 लाख करोड़ हो गई। अंबानी ने कंपनी पर भरोसा जताने के लिए अपने निवेशकों का शुक्रिया अदा किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था बीते 2.5 सालों में निवेशकों के पैसे दोगुने हो गए। अंबानी ने बीते 40 सालों का जिक्र करते हुए कहा था कि कंपनी ने टेक्सटाइल कंपनी से कई सेक्टर में अपना विस्तार किया है।